Hey everybody, welcome to my channel Mind Booster. So guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर एंड अथॉरिटी. सो पावर एंड अथॉरिटी में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पावर, देन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, देन मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोच, देन वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड दैट्स ऑल. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. So introduction part is not that important. So we will start from the empirical study of power. So it has never been an easy task to study and analyze the concept of power. So एक मतलब means जो concept of power का उसे पढ़ना उसे समझना कोई easy task नहीं था. As Morais is calling in his pioneering work, The Nature and Limit of Political Science, says that there are real difficulties about access to the centers of power in modern society, even in a democracy. तो democracy में भी power को समझना then उसको analyze करने is a big task. It may be easier to discover the truth about contemporary power than to publish it. The difficulties are greatest for those who have been participant. तो गाइस easily power को हम कैसे समझेंगे, तो जैसे कि आपको पता है सेंट्रल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो हमारी दो गवर्नमेंट होती है. तो गाइस पावर किसके हाथ में ज़्यादा होती है, तो सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कम पावर होती है. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर क्या होता है. एंड ये पावर जो होता है इलीगल होता है, मतलब लॉफुल होता है. जिसके हाँ जो लीगल चीज़ें होती है वो अपना पावर बताते हैं. ये एक टर्म हो गया. देन कुछ पावर ऐसी होती है जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस में लोग बताते हैं. जैसे कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है एंड कोई पर्सन हेल्दी नहीं है, तो क्या करेंगे, वो अपनी पावर दिखाएंगे कि मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ. देन वो उसको मार सकता है, वो कुछ उससे काम करवा सकता है. ये भी चीज़ें आती है. तो एक पावर को हम अलग अलग टर्म में देखते हैं. लेकिन जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हम जाएंगे हमारे जो गवर्नमेंट्स के पावर होती है उसके डायरेक्शन में हम जाएंगे इन द पॉलिटिकल साइंस. सो कॉर्नहॉसर हैज़ ट्राइड टू एनालाइज द डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द मेथडोलॉजीज टू अंडरस्टैंड द वेरियस सेंटर ऑफ पावर इन द पॉलिटिकल साइंस इन द आर्टिकल पावर रिलेशनशिप एंड द रोल of the social scientist. तो उनका जो आर्टिकल था पावर रिलेशनशिप एंड द रोल ऑफ सोशल साइंटिस्ट, मीन्स कैसे कैसे जो फिलोसोफर हैं उन लोगों ने बुक्स लिखी अपनी, उसके बारे में सब कुछ मैंशन किया है. देन प्रॉब्लम्स ऑफ पावर इन अमेरिकन डेमोक्रेसी. सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस डिफिकल्टीज कुड बी सम वॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सच एज वॉट सोशल साइंटिस्ट आर यू, वॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी वॉन्ट, वॉट टाइप ऑफ नॉलेज टू बी यूज बाय होम टूवर्ड वॉट एंड. तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव कंपेटेबल डॉक्ट्राइंस एंड मॉडल रिगार्डिंग मेथड एंड ऑब्जेक्टिव्स इन स्टडिंग पावर. दिस डिफिकल्टीज हैव बीन ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड इन थ्योरेटिकल वर्क ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक मैकेवली, हॉब्स, लॉक, टीडी वेल्डन. तो ये जो सारे साइंटिस्ट है, मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो उन लोगों ने थ्योरेटिकली पावर को एक्सप्लेन किया है. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. पावर का कॉन्सेप्ट क्या है. पावर इज़ नॉर्मली अंडरस्टूड एज अ पोजेशन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस ओवर अदर. तो पावर क्या होता है, कंट्रोल होता है कि हम मेरे पास ये पावर है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है ये. और फिर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को. अ रिलेशनशिप इन विच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज एबल टू एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर. तो मैं अगर मेरे पास पावर है तो मैं किसी और के दिमाग को चला सकती हूँ, उसके एक्शंस के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है. अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड वूफर्स इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मूव अदर और टू गेट देम टू डू वॉट वन वॉन्ट्स टू डू एंड नॉट टू डू. तो वही एक पर्सन की एबिलिटी होंगी वो कि वो दूसरे पर्सन से वो चीज़ करवाए जो कि वो नहीं करना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो करे तो वो करेगा. वॉट वन डज नॉट वॉन्ट देम टू डू. अथॉरिटी इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ पावर. तो अथॉरिटी क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है पावर के साथ. इट माइट टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल.
वन माइट से दैट कॉन्सेप्ट लाइक मोरालिटी, इथिक, रिलीजन, कस्टम एंड ट्रेडिशन में ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन पावर. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पावर के ऊपर लिमिटेशन लगा सकती है. जैसे मोरालिटी हो गया, इथिक, रिलीजन, ये सारी चीज़ें एक लिमिटेशन बन सकती है पावर के ऊपर. पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इज डीपली इंटरलिंक्ड विद पावर एंड अथॉरिटी. देन मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स हु एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफन स्टार्ट विद टू प्रपोजिशन दैट इन एनी पॉलिटी सम पीपल हैव मोर पावर देन अदर. तो पॉलिटी में कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है, कुछ लोगों के पास कम पावर होती है. एंड दैट पावर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, अ यूटिलिटी. पावर इज अंडरस्टैंडेबली एसोसिएटेड विद हॉनर, डिफरेंस, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. तो पावर के साथ क्या होती है, मतलब एक किसी के पास पावर है तो उनको क्या मिलता है, एक हॉनर मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक डिग्निटी मिलती है. वन हैज़ ऑफ कोर्स टू डिस्टिंग्विश द पावर ऑफ द मैन फ्रॉम द पावर ऑफ द ऑफिस दैट गारंटीज अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी. तो वो पावर किससे मिलते हैं, एक ऑफिस, जो ऑफिस वो होल्ड करता है. जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए, उनके पास जो ऑफिस है, उनके वजह से उनको क्या पावर मिली है, तो उनके पास बहुत सारी पावर है. तो उसके साथ साथ उनको क्या मिली है, एक रिस्पेक्ट मिली है, डिग्निटी मिली है. तो ये सारी चीज़ें और बाय लॉ होती है.